डालो ना। बधाई हो, बधाई हो। सदस्य बना के अपना घर उनका घर दे, अपना घर उनको कर दिया। उस दिन से हमारे घर के लिए लकी है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। उस दिन के बाद से हमको तरक्की पर तरक्की और कितनी रुकावट जो हमारी बाधे लगी हुई थी मतलब उसमें सब दूर होते चला गया। हरे हरे महादेव। अभी भैया को अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, किस तरह की खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है जिसको हम जाहिर नहीं कर सकते आप लोग के सामने। बहुत दिन से हम लोग को इंतजार था कि अब होगा लेकिन आज वो पूरा हो गया। अभी तो इस टाइम वो दिल्ली में है, कल उनका कोई कार्यक्रम है अपना करके आएंगे, शाम तक को लगता कल आ जाएंगे। किस तरह का उत्सव मनाया जा रहा है? बहुत अच्छा, मतलब बहुत दिन से दिवाली और हम लोग मना नहीं पाए अच्छे से, इस बार हम अच्छे से मनाएंगे और विधायक जी को आने पर ढेर सारा मतलब उत्साह रहेगा उसमें। बहुत ज़्यादा जोश है, अभी विधायक जी मिल जाते हैं कार्यकर्ता उनको उठा लेते हैं, बहुत ज़्यादा जोश है सबको। कांग्रेस पार्टी जय राज जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगी राहुल जी को भी अपना घर आपने दे दिया था? राहुल जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि जिस दिन से मैंने अपना घर दिया हूँ मेरा रुका हुआ कार्य सब पूरा हो रहा है। मैं उनको बहुत दिल से उनको धन्यवाद दूंगी, उनको, प्रियंका गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, सारे कांग्रेस पार्टी को और सारे जितने मेरे कार्यकर्ता बनारस के भी उनको भी मैं साथ में दूंगी। निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश के कांग्रेस को लगातार जमीन पे संघर्ष करने वाले हम सब के नेता आदरणीय अजय राय जी को प्रियंका गांधी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय राहुल गांधी जी के प्यार और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है, आप देख रहे हैं यहाँ लोगों का उत्साह देख करके आप लग रहा होगा कि आज उत्तर प्रदेश में जमीन पे संघर्ष करने वाले एक कार्यकर्ता के साथ पार्टी ने न्याय किया है। और मैं दावे से कह रहा हूँ बाबा विश्वनाथ की नगरी से अजय राय जी पूरे प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश देने जा रहे हैं कि धरती पे और जमीनी रूप से आम कार्यकर्ताओं को लेकर लड़ने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होगा, वो पार्टी का परचम पूरे बुलंदी से पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाने जा रहे हैं। हम सब बनारस के कार्यकर्ता कांग्रेस के सिपाही उनको अपनी शुभकामना देते हैं और भरोसा देते हैं कि उनके साथ हर लड़ाई में बनारस ही नहीं उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता तन मन धन से उनके लिए मजबूती से काम करेगा। आज आपने देखा दिल्ली प्रवास पे है, कल उनका आगमन होगा और हम सब लोग आज परिवार के साथ आदरणीय भाभी जी हम लोग के साथ है, बेटी उनकी हम लोग के साथ है, उनके भाई और तमाम उनके साथ शैलेंद्र सिंह जी हैं, अमित पाठक जी हैं, हमारे पारस जी, मयंक जी हमारे पार्षद साथी, अनुभव जी, विनय सदेजा जी, तमाम मेरे प्रतीक जी, विनय जी, सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है और बाबा विश्वनाथ का आभार व्यक्त किया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का आभार व्यक्त किया है, आदरणीय राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त किया है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने जमीन पे आम कार्यकर्ताओं को लेकर संघर्ष करने वाले नेतृत्व के हाथों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी है। क्या बात है।